नमस्कार, इस 2020 सीरीज का आज हम तीसरा लैम्प बनाने जाएंगे और उसका नाम है क्यूब। इससे पहले हम टेट्राहेड्रन और ऑक्टाहेड्रन बना चुके हैं, तो आज हम ये आपके साथ तीसरा लैम्प बनाएंगे। और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से लिंक दिया गया है, वहां से इसको डाउनलोड कर लें। कागज का क्यूब बनके तैयार हो गया है। आप इसमें यहाँ पे बल्ब लगाएं और ये बहुत सुंदर सा लैम्प बन जाएगा। तो आओ इसके पीछे की थोड़ी हम गणित देख लेते हैं। तो इसके 6 फेसेस हैं क्यूब के और 8 कोने हैं, और इसकी साइड्स जो हैं वो होती हैं 12 साइड्स होती हैं। अगर हम ये क्यूब के फेसेस के मिड पॉइंट्स को मिला दें तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो अगर हमने ये क्यूब है बाहर वाला स्ट्रक्चर और अंदर वाला है ऑक्टाहेड्रन, तो अगर इस क्यूब के मैं मिड पॉइंट्स को मिला दूं, सारे मिड पॉइंट्स को मिला दें, तो हमें अंदर ऑक्टाहेड्रन मिलेगा। और अगर जो आपने एक पिछले एपिसोड में भी ये चीज़ देखी थी कि अगर हम ऑक्टाहेड्रन के मिड पॉइंट्स को मिला दें तो हमें क्यूब मिलता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ऐसी जो स्ट्रक्चर बनती है, इनको डुअल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। और हम एक और तरीके से क्यूब बना सकते हैं। अगर ये टेट्राहेड्रन है और अगर मैं इस टेट्राहेड्रन के हर फेस पे अगर एक छोटा पिरामिड बना दूं तो हमारे पास क्यूब बन जाएगा। और वो कुछ इस तरह से बनेगा कि अगर ये टेट्राहेड्रन का यहाँ मैंने ये फेस लगा दिया और हर फेस पे ये क्या बना दिए, छोटे छोटे पिरामिड, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्यूब बनेगा। देखिए ये क्यूब बन गया। इसको अगर हम हटा के इधर लगा दें, ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है इस पिरामिड को हटा के भी इधर लगा दें, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा स्क्वायर पिरामिड। तो एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो दिख रहा है आपको, ये एक पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड, ये एक स्क्वायर पिरामिड और ये टेट्रा, ये दोनों मिलके और एक क्यूब बनाते हैं। और ये इस स्क्वायर पिरामिड को हम आधा ऑक्टा भी बोल सकते हैं, यानी आधा ऑक्टा या एक स्क्वायर पिरामिड और ये टेट्रा मिलके क्यूब बनाते हैं। और इसको आधा ऑक्टा कैसे बोलेंगे, ये हमारे साथ हमारे पास पूरा ऑक्टा है और अगर हम इसको बीच में से कट कर दें, तो बीच में इसके क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर के ऊपर ये पिरामिड, तो ये आधा ऑक्टा और ये टेट्रा मिलके क्यूब बनाते हैं। तो एक मैंने अभी छोटा क्यूब लिया है जिससे मेरे हाथ में अच्छे से आ सके। तो आप एक बहुत ही सुंदर और चीज़ कर सकते हैं कि कोई भी एक डंडी ले लें और डंडी से आप जो ये क्यूब है इसके डायगोनली इस डंडी को डाल दें, ये दोनों डायगोनल साइड डाल दिया डंडी को, ये यहाँ इस कोने से डाला और इस कोने से बाहर निकल गई। तो और यहाँ इसको पकड़ के जब इसको घुमाएंगे तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर सिरे पे कोण बन रहा है, दो कोण बन रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, और बीच में इसके बन रहा है हाइपरबोला। तो हमारा जो ये क्यूब है इसके जो ये कोने हैं इनको अगर मिला दें इन कोनों से, यानी डायगोनली अपोजिट कोनों को अगर मिला दें तो एक रेक्टेंगल मिल जाएगा, इसके बीच में एक रेक्टेंगल बनेगा। तो ऐसा ही करके हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाया है जो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, और इसमें 6 रेक्टेंगल है ऐसे। तो अगर और वो भी रेक्टेंगल बहुत स्पेशल हैं, उनका A4 का रेशो है, यानी 1:2 के रेशो में है वो सारे रेक्टेंगल। तो 6 रेक्टेंगल से मिलके ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और ये सारे रेक्टेंगल इसमें फिट हो जाते हैं, यानी इन कोनों को अगर इन कोनों से मिला देंगे, इन कोनों को अगर इनसे मिला देंगे और ऐसे ही इनको अगर इनसे मिला देंगे, तो ऐसे ये 6 रेक्टेंगल मिलके और ये शेप बनाते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर बनके तैयार है।